कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर रहते हैं। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भारतीय मजदूर करते हैं। यही कारण है कि इनकी आबादी यहाँ 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन इनकी स्थिति बेहद खराब है। छोटी जगह में रहते हैं। बुधवार को एक हादसे में 40 भारतीयों की मौत हो गई। कुवैत की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 39 श्रमिकों की मौत हो गई, जिसमें 40 भारतीय थे। दक्षिणी मंगाव जिले में यह हादसा हुआ। चश्मदीदे को कहना है कि हादसे के समय वहां का मंजर काफी खौफनाक था। आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। लोग चीख पुकार कर रहे थे, जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे निचली मंजिल पर स्थित रसोई में आग लगी और तेजी से पूरे आवासीय अपार्टमेंट में फैल गई। कुवैती अधिकारियों ने बताया कि वो इसकी जांच कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग में आग किस कारण की वजह से लगी। इस हादसे में बचे लोगों ने दावा किया है कि आग अचानक से तेजी से फैलने लगी और बहुत कम समय में पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। सुबह का वक्त होने के कारण सभी लोग सोए हुए थे। इमारत में बड़ी संख्या में लोगों के रहने के कारण उन्हें आग से बचाने का मौका नहीं मिल पाया। कई लोगों की आग से पैदा हुए धुएं से दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इस इमारत की क्षमता से कई गुना ज्यादा यहां मजदूर रहते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने इमारत से आग की लपटें और दरार से निकलते धुएं को देखा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने विशेष रूप से परेशान करने वाली घटना को याद किया, जिसमें एक मजदूर आग से बचने के लिए हताश होकर 5वीं मंजिल से कूद गया और बालकनी के किनारे से लटक कर उसकी दुखद मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इमारत के अंदर कमरों में ज्यादा लोग होने के कारण उन्हें बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया। कुवैत आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कुवैत शहर में आग लगने की दुखद घटना सामने आई है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रखा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। इस दुखद घटना पर विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को गहरा दुख व्यक्त किया। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की दुखद घटना से गहरा सदमा लगा है। कथित तौर पर 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हैं। हमारे दूतावास घटनास्थल पर गए हैं, हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, घायल को शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी लोगों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।